18 मार्च को रंगों का त्योहार होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से देश भर में मनाया गया, लेकिन अभी राजस्थान में होली खत्म नहीं हुई है। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के पावटा गांव में बल्लू शहीद की याद में डोलची खूनी होली एक अनूठी उत्साह के साथ शनिवार शाम को खेली गई। इसे लेकर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा लगभग सभी तैयारियां की गई थी। पावटा के हदीरा के मैदान में खेली गई पानी से भरी चमड़े की डोलची से नंगे बदन पर पानी की बौछार और युवाओं का उत्साह ही डोलची होली की मुख्य विशेषता है। इसकी शुरुआत सुबह हवन कर की गई। इसके बाद गांव के भैरव जी मंदिर पर होली के लिए आमंत्रण किया गया। उत्साह के साथ दनगस और पीलवाड़ गोत्र के युवा हदीरा मैदान में डोलची खेलने के लिए आमने सामने हो गए। नजारा देखने लायक था। युवाओं का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो युवा होली खेलने नहीं युद्ध के मैदान में आए हों। डोलची नामक चमड़े के पात्र में निकलने वाली पानी की बौछार सामने के योद्धा की पीठ को लहूलुहान कर रही थी। वो भी अपना बचाव कर दुगने जोश से पानी से वार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तो सेना आपस में युद्ध कर रही हो, इसीलिए इसे खूनी होली के नाम से जाना जाता है। करीब 2 घंटे तक चले इस खेल को गांव के बुजुर्गों की पहल पर संपन्न किया गया। यही नहीं, डोलची के बाद देवर भाभी की होली खेली गई। हदीरा मैदान के दोनों ओर से तैयार बैठी महिला पुरुषों की अलग अलग टोलियां आमने सामने हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों द्वारा हदीरा मैदान की रणभूमि में अपना अपना जोहर दिखाया गया। करीब 2 घंटे तक चलने वाले इस महासंग्राम में महुआ सहित दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों महिला पुरुषों ने इस अनूठी डोलची का लुत्फ उठाया। आज पावटा गांव में डोलची नाम से एक होली का पर्व मनाया जाता है। आज मैं यहाँ पावटा में हूँ और डोलची होली जो है पूर्वी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होली है। और डोलची होली का जो ये खेल है, ये एक बहुत ही पौराणिक और एक ऐतिहासिक घटना से संबंध रखती है। एक संघर्ष की कहानी है जो यहाँ के शहीद बल्लू सैया और हदीरा बाबा के नाम से जो हुए थे, उनकी एक ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी है। और उनकी याद में ये पावटा गांव में डोलची होली का खेल आयोजित किया जाता है। आज भी यहाँ पर होली खेली गई है डोलची के माध्यम से, और इस मौके पर हजारों की संख्या में जो लोग आज इस ऐतिहासिक खेल को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पावटा गांव की तमाम बस्ती के नागरिकों को इस ऐतिहासिक और पारंपरिक होली को निरंतर खेले जाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और पूरी बस्ती को धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः जो डोलची का ये ऐतिहासिक खेल देखने के लिए आए हैं, इन सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गांव वालों के अनुसार हजारों वर्ष पहले परिवार गुज्जर समाज के आत्मसम्मान के लिए खुले रण में लड़कर अपनी गर्दन धड़ से अलग हो जाने के बाद भी दुश्मनों का संहार करने के बाद शहीद हुए बल्लू की याद में गुज्जर समाज डोलची होली मना रहा है। ये डोलची पहले खून से, बाद में दूध और अब चमड़े से बनी डोलची में पानी भरकर खेली जाती है। पंजाब के सूची टीवी के लिए दौसा से अचिन पांडे की रिपोर्ट।